जैसे जैसे राजधानी में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के दमदार उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने जंगपुरा विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान कुलदीप कुमार के जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस समय कुलदीप कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा था, उसी समय दिल्ली पुलिस ने कुलदीप कुमार के जन विश्वास यात्रा को रोकने का प्रयास भी किया। कुलदीप कुमार ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। साथ ही ये भी कहा कि आज हमारे जन विश्वास यात्रा को जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वो भाजपा के नेताओं के कहने पर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली पुलिस उनके कामों में अड़चन डाल रही है, उनके चुनाव प्रचार को रोकने का प्रयास कर रही है और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर किया जा रहा है। वहीं पर जंगपुरा की जनता ने आम आदमी पार्टी के दमदार उम्मीदवार कुलदीप कुमार पर अपना विश्वास जताया और कहा कि जंगपुरा की जनता कुलदीप कुमार के साथ ही है। इसके अलावा जंगपुरा की जनता ने और क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। अच्छा कहेंगे, उसमें साथ देंगे तो हमारे साथ तो सीट सीट के आवे, जीत के आवे कुलदीप मेरे भाई, पूरी पूर्वी जिल के जीत के आएगा। अच्छा, उनके लिए काम कर रहे हैं, कर रहेंगे, करते रहेंगे, जिताएंगे, ले कर आएंगे भी। अच्छा। उनके लिए क्योंकि काम सब कर रहा, अच्छा से काम कर रहा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है, अब 1000 रुपये महीना लेडीज़ को दे रहा है, सब महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए सब काम कर रहा है अच्छे से। कुलदीप कुमार सर का बहुत खुश है हम, और स्वागत भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं हम लोग, और क्योंकि उन्होंने जो लेडीज लोगों को सबसे ज़्यादा मदद किया है और करेंगे भी, आगे भी करेंगे और भी, क्योंकि बहुत परेशान होते थे हम लोग, थोड़ा सा इतना परेशान होते थे। अब देखो हम लोगों का 1000 रुपये फ्री, अब घर में हमारे घर में 5 महिला है तो 5 महिलाओं के लिए 1000 रुपये तो आ ही रहा है, कोई किराए के लिए बांधने के लिए बहुत तंग होते थे, कहाँ से लाएंगे पैसे, कैसे लाएंगे। हम पे जाते थे, बस में जाते थे, टिकट लेके जाते, इतना ना था। अब तो लेडीज लोगों का बिल्कुल फ्री है, कम से कम उसका भी तो 2000 रुपये बच रहा है। अब तो हमने बच्चों का भी पेट पाल रहे हैं, अच्छे से खुशी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस गरीबों को बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुलदीप कुमार जी के बारे में तो आजकल वैसे सबको ही पता है कि एक मजदूर का बेटा है, एक सफाई कर्मचारी का बेटा है। वो शुरू में सबसे पहले निगम पार्षद रहे, निगम पार्षद में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि उन्हें फिर MLA बना दिया गया। MLA का चुनाव लड़े और MLA का चुनाव, विधायक का चुनाव वो जीत गए। उसके बाद अब उनको मौका दी जा रहा है, उनके कामों से खुश होकर केजरीवाल जी उनके कामों से इतना खुश है, उन्होंने इतनी अच्छी टीम बनाई है अपनी पूर्वी दिल्ली की, तो उनको अब संसद के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए उनको चुना गया है। और हमें पूरी की प्यार 100% के 200% उम्मीद है कि वही जीतेंगे। अपने इलाके में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जब से काउंसलर बने हैं, काउंसलर बनने में भी उन्होंने अच्छा काम किया है।